आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वह समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए, जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप। क्या दुनिया ने ये नहीं देखा होगा कि एक पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नहीं बचा पाया? और मैं इसी से जोड़ देता हूं आपको, एक और जोड़ देता हूं मैं बात को, कन्नौज में एक समाजवादी परिवार को इतना सताया, इतना परेशान किया कि अंततः झगड़ा हो गया, एक की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि यादव है तो भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। अभी कानपुर में क्या मदद की आपने, जो कस्टोडियल डेथ हुई उसकी क्या मदद की आपने वरुण के परिवार की? क्या पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी? क्या आपके विधायक, आपके सांसद ने क्या कहा? अभी रिपोर्ट भी नहीं आई। नहीं, वो धाराएं बदल रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, धाराएं बदलने की तैयारी है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मैनपुरी में शराब पी करके एक मजदूर को मार दिया, 302 की जगह 304 कर दिया। ये भी तैयारी चल रही है आपके बलवंत वाले केस में, पुलिस के लोग पैसा लेकर के घूम रहे हैं उसके परिवार से मिलने के लिए। इसे सच्चाई आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो बात आपने कही है, आखिरकार वो परिस्थितियां किसने पैदा की, वो परिस्थितियां कौन पैदा कर रहा है, जड़ में कौन है, कहां पहुंच गया? तो गलत हो गया ना? नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं, तुम गलती कर रहे हो भाई, जो आप बात ही नहीं समझ रहे हो। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है इनका, मैं ये चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को फिनलैंड भेज दिया जाए, तो कम से कम वो नीचे आ जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे। सिंपल बात है।